हाय दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे Redmi Note 11 के बारे में, जो कि अभी फिलहाल में इंडिया में लॉन्च हुआ है, जो कि 4G के साथ आता है। ये स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन नहीं है, जिसका कीमत शुरू होता है 13,500 से, जिसमें 4GB रैम 64GB स्टोरेज मिलता है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बताने वाला हूँ कि ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और फ्यूचर के बारे में इस वीडियो में नहीं बताऊँगा। लेकिन फिर भी मैं आपको जल्दी से सब कुछ बता देता हूँ कि Redmi Note 11 में क्या मिलता है। अगर आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि सबसे पहली बात, यहाँ को जो प्रोसेसर मिलता है वो काफ़ी अच्छा दिया गया है। Qualcomm का Snapdragon 680 प्रोसेसर मिलता है, जो कि 6 NM पर बेस्ड है। 5 mAh की बड़ी सी बैटरी मिलती है, जिसमें आपको 33W का फास्ट चार्जर दिया गया है। यहाँ आपको एक AMOLED और साथ में 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है डिस्प्ले के अंदर। और ये स्मार्टफोन के पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें आपको 50 MP का मेन कैमरा दिया गया है, जिससे आप काफ़ी अच्छा फोटो वीडियो निकाल सकते हैं। और आगे की तरफ पंच होल मिलता है, जिसमें आपको 16 MP का सेल्फी दिया गया है। और इसके अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाता है, UFS 2.2 दिया गया है, और बहुत सारे फीचर जो है आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन जो हाईलाइट फीचर था वो मैंने आपको बता दिया। और एक चीज़ आपको बताना था, नीचे की तरफ रेड बटन दिखता होगा, उसे प्लीज दबा दें, थोड़ा बहुत मेरा हेल्प हो जाएगा। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, अब बात आता है कि Redmi Note 11 को आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए 13,500 में। तो सबसे पहली बात, आप बिल्कुल ये स्मार्टफोन को ले सकते हैं। क्यों लेना चाहिए? देखिए, अगर आप 15,000 के नीचे कितने भी स्मार्टफोन को चेक करेंगे तो उसमें आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा, लेकिन AMOLED डिस्प्ले नहीं मिलेगा। या किसी स्मार्टफोन में AMOLED डिस्प्ले मिलेगा लेकिन हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको Redmi Note 11 में ये दोनों ही चीज़ मिल जाता है। तो अब क्या चाहिए? और 15,000 के नीचे जितने भी स्मार्टफोन हैं उनमें जो प्रोसेसर मिलता है वो 12 NM पर या कोई 8 NM पर बेस्ट है, लेकिन Redmi Note 11 जो है ये लेटेस्ट प्रोसेसर है, जो कि 6 NM पर बेस्ट है। तो ये भी एक अच्छी बात है Redmi Note 11 के लिए। और दोस्तों, बहुत सारा स्मार्टफोन जो कि 15,000 के नीचे भी 18W का फास्ट चार्जर देता है या कोई 13 MP का सेल्फी देता है, लेकिन Redmi Note 11 में आपको 5 mAh बैटरी के साथ 33W का फास्ट चार्जर मिलता है। तो ये भी एक अच्छी बात है, और 16 की सेल्फी दी गई है। तो दोस्तों, बस मैं इतना ही समझाना चाह रहा था आप सबको कि Redmi Note 11 जो है ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है 13,000 में, मतलब 13,500 में आप बिल्कुल ये स्मार्टफोन को ले सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो बैटरी हो, चाहे वो फास्ट चार्जर हो, चाहे वो प्रोसेसर हो। हाँ, आप इतना भी हैवी गेम नहीं खेल सकते हैं Redmi Note 11 के अंदर, इतना भी पावरफुल प्रोसेसर नहीं मिलता है ये मानते हैं, लेकिन 6 NM पर बेस्ड है, जो कि एक अच्छी बात है। अब सवाल ये भी आता है कि Redmi Note 11 जो है ये किसके लिए लेना चाहिए, मतलब कि कैमरा अच्छा मिलता है इसमें सबसे ज़्यादा या गेमिंग के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो बात ये है कि ये स्मार्टफोन जो है ना ही कैमरा के लिए अच्छा है, ना ही गेमिंग के लिए अच्छा है। ये स्मार्टफोन जो है ये सभी चीज़ के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें जो मिलता है, जो प्रोसेसर, जो कैमरा, जो बैटरी है, वो सभी चीज़ जो है वो काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है और ना ही कम है। ये स्मार्टफोन उन लोगों के लिए है जो कि चाहते हैं कि मेरे स्मार्टफोन के अंदर सब कुछ अच्छा हो, कैमरा अच्छा हो, बैटरी लाइफ अच्छा हो, परफॉर्मेंस मस्त मिले और डिस्प्ले भी मस्त हो, तो उसके लिए Redmi Note 11 जो है वो सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है 13,500 में। अगर आपको 15,000 के नीचे एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन चाहिए तो वो है Infinix Note 11S। ये कैमरा स्मार्टफोन इसलिए है क्योंकि इसके कैमरा के अंदर काफ़ी कमाल का फीचर जो है देखने के लिए मिल जाता है, और कैमरा क्वालिटी जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, नाइट हो या दिन हो। और अगर आप 15,000 के नीचे एक गेमिंग स्मार्टफोन चाहते हैं तो वो है मैक्रो मैक्स इन नोट 2। ये दोनों भी स्मार्टफोन काफ़ी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है 15,000 के नीचे, तो आप ये दोनों स्मार्टफोन को भी जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और कल के वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।